ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनपुराय पुराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री क्लीं वित्तेश्वराय नमः। जय माता दी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। व्रत त्योहार उपाय चैनल के सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली, और दिवाली के त्यौहार की शुरुआत हो जाती है धनतेरस से, जो कि भाई दूज तक चलती है। धनतेरस से शुरू होने वाले इस पंच दिवसीय त्यौहार में हम सभी अपने घरों में माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर जी महाराज की पूजा करते हैं। दिवाली के बाद आता है गोवर्धन महाराज की पूजा, और उसके बाद होती है भाई दूज। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि धनतेरस पर कुबेर जी महाराज की पूजा किस तरह की जाएगी। सबसे पहले चौकी पर हम पीला कपड़ा बिछा देंगे। अब हम इस तरह का एक कुबेर यंत्र चिपकाएंगे, साथ ही एक तस्वीर जिसमें माता लक्ष्मी, सरस्वती माँ और गणेश जी भगवान, साथ ही कुबेर महाराज भी बने होंगे। तो अब हम थोड़े से अक्षत डालेंगे यहाँ पर, और इन अक्षत को डालने के बाद हम यहाँ पर कुबेर जी महाराज की मूर्ति की स्थापना कर देंगे। फूल अर्पित करेंगे, पीले फूल ही अर्पित करें क्योंकि कुबेर जी को पीला रंग बहुत ही प्रिय होता है। इसके बाद हमने यहाँ पे भोग के लिए ही लाई ली है, कलसे में भरी है, साथ ही ये खिलौने हैं, क्योंकि खील और खिलौने या फिर बताशे कह सकते हैं, इसका ही भोग लगता है इस दिन। बाकी आपने जो भी मिठाई बनाई है अगर, तो वो भी आप कुबेर जी को अर्पित करें। वैसे हमने माला अर्पित कर दी है। अब अगर जो भी आप लाए हैं सामान धनतेरस की शॉपिंग करके, चाहे वो चांदी, सोने का हो या स्टील का हो, तो यहाँ पे रख दें। जैसे मैं यहाँ पे ये कड़छी का सेट लाई थी, तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब हम इसकी पूजा करेंगे, साथ ही कुबेर जी महाराज की भी हम पूजा करेंगे। अब हम चौकी पर रखेंगे ये कुछ सामान। ये जो भी सामान है, ये कुबेर पोटली का सामान कहा जाता है, कुबेर पोटली की सामग्री है। इसमें क्या क्या होता है और कुबेर पोटली किस तरह से बनाई जाती है, वो उसका वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, मैं अपलोड कर चुकी हूँ। इसी के साथ हम मिठाई भी चढ़ाएंगे। जो भी आपके घर में मिठाई बनी है वो आप यहाँ रख सकते हैं। साथ ही गंगा जल रखना भी बहुत ज़रूरी है, देसी घी का दिया जो कुबेर जी महाराज के आगे जलाया जाएगा, एक धूप, तो सबसे पहले हम टीका कर देते हैं कुबेर जी महाराज का। हल्दी और कुमकुम से सभी देवी देवताओं को हम तिलक करेंगे। पहले हम हल्दी लगाएंगे, साथ ही कुबेर यंत्र को भी हम पूछ देंगे। और अब हम थोड़े से अक्षर इन सभी पर देखेंगे। अभी अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पे ये झाड़ू रखी है, ये पुरानी झाड़ू है, साथ ही मैंने यहाँ पर तीन झाड़ू रखी है नई। झाड़ू कितनी लेनी चाहिए इससे जुड़ा वीडियो भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ आपको। कम से कम वैसे तो विषम संख्या में झाड़ू लेनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे तीन झाड़ू ली हैं, ये नई झाड़ू है, साथ ही मैंने यहाँ पर अपनी एक पुरानी झाड़ू भी रखी है। तो नए के साथ पुरानी झाड़ू ज़रूर रखें, साथ ही इसका तिलक भी करें। पहले हम पुरानी झाड़ू का तिलक करेंगे, और अब हम
जो नई झाड़ू हमारी आई है इनका भी तिलक कर देंगे। अब हम कुबेर जी को वस्त्र स्वरूप ये धागा पहनाएंगे। दिया जला देते हैं। साथ ही धूप। जितनी भी चीजें रखी हैं यहाँ पर हम उन सभी चीजों को धूप दिखाएंगे। अब हम यहाँ पर धनिया के बीज रखेंगे। धनतेरस के दिन धनिया के बीज खरीदना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही फलदायी होता है। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का भी नियम है, क्योंकि तेरस का दिन होता है तो 13 के जो नंबर है उसकी बहुत ज़्यादा महत्ता होती है, इसलिए 13 दिए जलाए जाते हैं। और 13 दिए जलाकर कहाँ रखने हैं इससे जुड़ा वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब हमने जो भी भोग का सामान रखा है उसका हम भोग लगाएंगे। अब आरती करेंगे। आरती करने के बाद हमें कुबेर मंत्र को पढ़ना है। कुबेर मंत्र कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यही मंत्र आपको पूजा के बाद पढ़ना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धन पुरय पुरय नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का जाप करके आप भगवान कुबेर से प्रार्थना करें कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, हमारे घर में धन धान्य की कभी कोई कमी ना रहे, खूब सुख संपत्ति आए घर में, धन वैभव की कोई भी कमी ना रहे। इस तरह से प्रार्थना करके साथ ही भगवान कुबेर से, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, माता सरस्वती से अपनी पूजा में कोई भी जो कमी रह गई हो या गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना ज़रूर करें। जय श्री कुबेराय नमः। तो दोस्तों ये थी धनतेरस की पूजा की पूर्ण व सरल विधि। मैं आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस दिवाली और त्यौहार से जुड़े हुए मैं अपलोड करने वाली हूँ अपने चैनल पर। साथ ही बेल आइकन को टच ज़रूर करें। देखते रहिए व्रत त्यौहार उपाय चैनल। शुभ दीपावली। जय माता दी।